हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सौम्या, कैसे हैं आप लोग सब। समस्या तो दिन ब दिन बदतर होती जा रही है। कोरोना का हालत सुधरने का नाम ही नहीं ले रही है। WHO बोल चुका है कि 2 से 3 साल तक ये तो हमारे साथ मेहमान बन के रहने वाला है। तो तब तक के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक सैनिटाइजर लेंगे, हाथ में डाल के उसको रब करें, यही तो काम ही रह गया हम लोग का। और क्या करेंगे हम लोग, इम्यूनिटी बूस्ट करेंगे। हमारी इम्यूनिटी बूस्ट कैसे करेंगे हम लोग, तो आज उसके लिए मैं बनाने वाला हूँ आज एक ड्रिंक। उसका नाम है कोकोनट टर्मरिक ड्रिंक। तो कोकोनट टर्मरिक ड्रिंक में मैं यूज करने वाली हूँ कोकोनट मिल्क एंड टर्मरिक। का पता है आपको उसका गुण क्या है, तो अगर आपको पता नहीं प्लीज गूगल इट। ओके, तब तक के लिए जिन लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल। डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन बेल आइकन बटन टू गेट माय लेटेस्ट वीडियो। और ये ड्रिंक जिन लोग कीटो फॉलोअर हैं, जिन लोग इंटरमीडिएट फास्टिंग करते हैं, उन लोग के लिए बहुत ही अच्छा है। आप लोग ये अपने डाइट में यूज कर सकते हैं। कीटो लोग के लिए तो ब्रेकफास्ट के लिए हेल्दी मील है, तो आराम से आप लोग ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। कोकोनट टर्मरिक मिल्कशेक बनाने के लिए मैंने यहाँ पे कोकोनट मिल्क, कोकोनट ऑयल, कर्ड, जिंजर, टर्मरिक, हिमालयन सॉल्ट, शुगर एंड वेनिला एसेंस ली है। आप टर्मरिक पाउडर नहीं तो जिंजर पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। शुगर के बदले आप जैगरी, ब्राउन शुगर नहीं तो कोई भी अपने पसंद का शुगर यूज़ कर सकते हैं। एंड जिन लोग वेगन हैं, आप कर्ड को अवॉइड करके कोकोनट क्रीम और 50% और 50% कोकोनट मिल्क डाल के बना सकते हैं। अभी मैं लिया है एक ब्लेंडर जार, उसमें मैं डाल रही हूँ कोकोनट मिल्क, 2 टेबलस्पून कर्ड, फिर 2 टेबलस्पून कोकोनट ऑयल। अगर आपको कम चाहिए प्लीज़ 1 टेबलस्पून ले सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा होता है हेल्थ के लिए और स्किन के लिए, प्लीज़ रेगुलर डाइट में यूज़ कीजिए। फिर इसमें मिंस किया हुआ अदरक और टर्मरिक डाल रही हूँ, थोड़ा सा वनीला एसेंस, फिर थोड़ा सा नमक, फिर अपने हिसाब से मैं शुगर डाल रही हूँ। मैंने यहाँ पे स्टीविया शुगर यूज़ किया, आप कोई भी शुगर यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो ब्राउन शुगर, नहीं तो आप गुड़ भी डाल के उसको ग्राइंड कर सकते हैं। देखिए अच्छे तरह से ब्लेंड हो गया है, अभी वो थिक एंड गोल्डन दिख रहा है। आपका मिल्कशेक बन के तैयार है। अभी हम एक ग्लास में थोड़ा सा आइस क्यूब लेंगे, उसमें पोर कर देंगे। आप ये मिल्कशेक बहुत ठंडा और गर्म ले सकते हैं। और मैंने यहाँ पे टॉपिंग्स किए थोड़ा सा ग्रेटेड कोकोनट, आलमंड एंड पम्पकिन सीड से। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है प्लीज़ आप कमेंट करना मत भूलिए, सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए और डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन बेल आइकन टू गेट माय लेटेस्ट वीडियो। तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पर। बाय बाय। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल द गुड टाइम्स विद सौम्या एंड क्लिक कीजिए बेल आइकन बटन पर सबसे पहले देखने के लिए मेरा वीडियो।